हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू सी टू सी मेटोर्स माई नेम इज रूपांशी लालगे एंड टूडेज एजेंडा इज बिजनेस न्यूज सो वी विल बी कवरिंग सम क्विक इम्पॉर्टेंट न्यूज जो टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस इज इज ऑन संडे दिस अ शॉर्ट वीडियो जो आप फटाफट देख लो ऑल्सो हैव इंट्रोड्यूस्ड इमेजेस और uh, इस तरह का फॉर्मेट है कि आपको शायद एक इस वीडियो के दौरान ही पूरा की पूरा न्यूज याद हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल इट पिक्टोग्राफिकली और कुछ कोरिलेशन बना लोगे तो और जल्दी याद हो जाएगा राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड दैट इज दीपिका पदुकोन ओके अडिडास टेकन दीपिका एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेस्टर एंड दिस इज अ जर्मन ब्रांड राइट स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड इफ यू वॉन्ट यू कैन पॉज एंड रीड द एंटायर स्टोरी इफ यू वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट टू रीड एवरीथिंग सो दैट वीडियो शॉर्ट रहे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी पिक्चर्स साइंस मर्जर डील तो ये इमेज आप याद रख लोगे आपको एग्जाम के टाइम में याद आ जाएगा जी एंड सोनी दिस इज अ वेरी गुड इमेज फॉर दैट सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से नेक्स्ट इज इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इको सिस्टम इन द वर्ल्ड अब किसने निकाला है ये रिसर्च दैट इज यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इसमें इन्होंने लिखा है कि इंडिया फ्यूचर uh, यूनिकॉर्न 2021 में थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप पर आया है सो इंडिया हैज बिकम थर्ड लार्जेस्ट थर्ड हैज हैजू बी रिमेंबर्ड यूएसए इज इन द टॉप एंड चाइना इज इन द सेकेंड राइट नेक्स्ट इज एप्पल टॉप द यूरन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट तो हमने यूरोन की दो चीजें देखी एक में इंडिया थर्ड आया है एक में ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट निकालता है उसमें एप्पल इज द फर्स्ट हेयर यू कैन सी एप्पल इज द फर्स्ट देन माइक्रोसॉफ्ट इज द सेकेंड वन एंड थर्ड इज एमेजॉन राइट इफ यू वॉन्ट यू कैन रीड मोर नेक्स्ट इज एप्पल को फाउंडर स्टीव वजनेक लॉन्चेस स्पेस स्टार्टअप प्राइवेट ईयर स्पेस ओके तो यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो स्टीव वजैनिक कौन है? हैबाउट इट यू कैन गूगल इट राइट नाउ और आफ्टर वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है और राइट सो थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस वन स्पेसिफिक न्यूज नेक्स्ट इज पे यू अक्वायर्स बिल डेस्क पे यू एंड बिल एज यू कैन सीन द इमेज पे यू एंड बिल डेस्क so first of all netherlands based porous nv has announced to acquire indian digital payment provider billdesk so billdesk is indian and it has merged with its own fintech service business that is known as payu okay so this is kind of a merger and acquisition then uh, the next news is new development bank ndb approves UAE, Bangladesh, and Uruguay as new members. So, we have three names: UAE, Bangladesh, Uruguay. Alright. Now, what is Shanghai-based New Development Bank. Hai. And um, if you can see here in the next paragraph, it, has, it was established by BRICS-that is, Brazil, Russia, India, China, South Africa-in 2015.

फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है इकोनॉमिक रिकवरी के क्या चांसेस हैं सो पहले इन्होंने नेगेटिव बताया था अभी स्टेबल बताया है इन अक्टूबर ओके नेक्स्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप्स इन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर ट्वेंटी रैंकिंग अब रिलायंस के ऊपर ना दो तीन न्यूज है तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा अच्छे से फर्स्ट है कि बेस्ट एम्प्लॉयर फोब्स ने जो लिस्ट निकाली उसमें बेस्ट एम्प्लॉयर में रिलायंस को टॉप पर दिया है मतलब आप ऐसी कोई जॉब में जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ऐसे आप याद रख सकते हो ठीक है इट हैज़ हैजॉप्ड इंडियन कॉपरेट्स इन द वर्ल्ड बेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी बाय फोब्स ग्लोबली रिलायंस इज प्लेस्ड एट फिफ्टी सेकेंड पोजिशन अमंग सेवन फिफ्टी ग्लोबल कॉपरेट्स global corporates may of course first name it is on 52nd position and who is the first in the world's best employers ranking that is South Korean giant Samsung Electronics all right next is Infosys hits 100 billion m cap fourth Indian firm to reach the milestone so Infosys has hit the hundred billion m cap you can see the picture um, and Reliance Industry MCAP is 140 billion. Tata Consultancy Services has 115. And HDFC has 100. So, if you have to learn the order, it's Reliance, Tata, TCS, HDFC, and then we have Infosys. Okay. India ranks second in terms of crypto adoption in the world. It is a very big thing. Can you imagine cryptocurrency adoption? उसमें हम सेकेंड आए हैं एंड दैट टू वी आर लिविंग बिहाइंड सच बिग जायंट्स फॉर एग्जाम्पल यूएस यूके चाइना एंड इट्स अ वेरी बिग डील ओके सो यू शुड रिमेंबर दिस दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर जी डी पी आई वेर यू कैन कोट दिस इफ अ क्वेश्चन और जी डी टॉपिक इज अराउंड दिस यू कैन कोट दिस सो इंडिया हैज बिन रैंक सेकेंड आफ्टर वियतनाम ऑल राइट Tha ye index? So that is global crypto adoption index by blockchain data platform chainalysis. Okay, so the name is Chainalysis. This comes even as world worldwide crypto adoption GRIV by 880%. So this is again a data which you might remember, you might forget. Um, India emerges as second in global manufacturing risk index. So India um, emerged as a global manufacturing hub and effectively surpassed the United States to become the world's second most desired manufacturing destination. So now people would like to come here and manufacture goods. So this is again a good thing because we all know make in India about time se chal hai. Uh, ease of doing business has been promoted for a long time. So we have progress, kar rahe and we have come as second. Okay. नेक्स्ट इज एच डी एफ सी लाइफ टू एक्वायर एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस नाउ इमेज हेयर याद रख लो एग्जाम के टाइम में इट इज इजी टू आईडेंटीफाई सच ऑप्शन एच डी एफ सी लाइफ एंड एक्साइड लाइफ दो लाइफ है एच डी एफ सी एंड एक्साइड सो द बेसिक पॉइंट इज दिस एक्विजिशन विल मार्क वन ऑफ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एक्विजीशन इन द लाइफ इंश्योरेंस स्पेस अभी तक इतना बड़ा लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में कभी कोई एक्विजिशन नहीं हुआ है इसमें एच डी एफ सी विल बी एक्वासेंट स्टेक ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड इट विल बी ओके टाटा ग्रुप विन्स बिड फॉर एयर इंडिया दिस इज अ वेरी कॉमन न्यूज बट आई फील के पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है इवन विद इमेज यू विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट

Ultimately, exit the business. Next news is HDFC Bank ties up with Paytm to launch co branded credit cards. So, who is co branding with whom? This should be known. It becomes important for the examination. So, HDFC plus Paytm. So, um, this is for the Visa platform for businessmen, millennials, merchants, everyone.

छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन जो होते हैं इफ दे आर मेकिंग समथिंग इफ दे आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग सो इट इज बेसिकली गिविंग देम अ बूस्ट व्हिच विल हेल्प देम टू डेवलप फ्रॉम देयर प्लानिंग स्टेज एडवर्टाइजिंग स्टेज इवन कैटलॉगिंग फॉर देम लॉजिस्टिक्स क्वालिटी कंट्रोल एवरीथिंग एंड दैट इज हेल्पिंग देम टू ग्रो डिजिटली सो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ दिस इज अ वेरी गुड इनिशियेटिव इन न्यूज एडीबी कट्स इंडिया जी डी पी फोरकास्ट फॉर एफ वाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू टेन परसेंट अब हमने मूवीज का देखा था उसने कहा था निगेटिव से स्टेबल कहा है लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा है उसने अपना फोरकास्ट डाउन किया है सो so, किसने अप किया है किसने डाउन किया है ये हल्का सा एक अंदाज आपको होना चाहिए हियर यू कैन सी एक नेगेटिव नीचे जाता हुआ इमेज बताया है अर्लियर इट वॉज प्रोजेक्टेड एट इलेवन परसेंट नाउ इट हैज प्रोजेक्टेड टू टेन परसेंट कम किया है वन परसेंट से नाउ uh, एडीबी क्या है कहां से बेस्ड है तो इट इज अ मनीला बेस्ड मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी ओके नेक्स्ट न्यूज इज मुकेश अंबानी टॉप्स फोर्ब्स

सेकेंड पे है ये इम्पोर्टेंट है अगेन दिस होल्डिंग्स अब मैंने कहा था रिलायंस के न्यूज बहुत सारे हैं तो इसमें एक है कि एक न्यू एनर्जी सोलर है रिलायंस का जिसने एक्वायर किया है आरई सोलर होल्डिंग्स तो अगेन ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है एंड

इतने सालों से चली आ रही है इफ़ यू नो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो हु आर द मेम्बर्स ऑफ क्वाड दिस इज अ न्यू कॉर्डिलेटर इकोनॉमिक फॉर्मेशन बट वॉट एग्जिस्टिंग क्वाड इज उसमें कौन मेम्बर्स हैं प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो फर्स्ट द न्यूज इज इंडिया इजरेल यू ए एंड यू एस सी हाउ डाइवर्स दिस एंटायर ग्रुपिंग विल बी विच हैज लॉन्च अ क्वाड फॉर्मेशन एंड दिस इज बेसिकली फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन And discussed possibilities for joint infrastructure projects. Ek to economy, then infrastructure, and political cooperation in Middle East and Asia. So it is a very um, you know unique kind of a grouping. Then um, moving to the next news that is 2021 Fortunes Global 500 list. the top of to Walmart again. This has been uh, on the top for पास्ट मेनी ईयर्स सिंस 1995 अगर आपको याद है तो ये वही आंसर है इसका वॉलमार्ट लेकिन जो हमारी फॉर्च्यून uh, ग्लोबल 500 लिस्ट है उसमें 2021 में सेवन इंडियन कंपनीज द प्लेस इन ग्लोबल 500 लिस्ट सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर्च्यून इंडिया फाइव टॉप 10 की जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है इसको आप एक बार रीड कर लो

to an end of this video the slides have been completed uh, this was the first part of uh, the business news that we have tried to incorporate in this video i hope you have liked it and if you want some specific kind of news you can put that uh, put that down in the comment section we'll uh, definitely um, give uh, a try and we'll try to come up with those videos also um, c2c mentors have a lot of programs you can check out the website you can contact us on whatsapp and you can see what all programs you can enroll for specifically for gk based uh, examinations we do have mock and we have um, ebooks and pdfs available also so thank you for watching bye bye